गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब क्यों भेजा था? क्या आपको भी ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने साहिबजादों की शहीदी के लिए उनको भेजा था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गलत है। हमारे पंजाब में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस कारण भेजा गया है। मेरा ये मानना है कि सिखिज़्म में या फिर कह लीजिए किसी भी रिलीजन में बदले की भावना का सिद्धांत ही नहीं है। या तो आप महान इंसान बन सकते हैं या आप बदले की भावना रख सकते हैं। तो फिर उनको भेजा क्यों गया था पंजाब में? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये है कि उनको आम लोगों के लिए भेजा गया था। उनकी मुगलों के साथ जो लड़ाइयाँ हुई उसके बारे में बहुत हमने पढ़ा सुना, उसको बहुत हाईलाइट किया गया है, लेकिन ये किसी को बताया नहीं जाता ये चीज़ कि वो इंडिया के जो ज़िम्मेदार लोग थे, जो आम लोगों को, जो गरीबों को लूट रहे थे, उन्हीं की ज़मीन को लेके उन्हीं से पैसा भी लूट रहे थे, उसके खिलाफ बहुत सारा काम किया था उन्होंने। जो ज़मीन का असली हकदार था उसी को उस ज़मीन का मालिक बनाया। इन्हीं दो कारणों के चलते, जमींदारी प्रथा के खिलाफ काम करने पे और मुगलों के खिलाफ काम करने पे ही उनको इतनी दर्दनाक मौत दी गई थी।